No. True. Hey guys, welcome back to my another vlog. आज हम जा रहे हैं एकता नगर केवड़िया के पास साइकिलिंग में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मतलब रैली है, पुलिस वालों की है, तो उनके रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने कॉलेज के तरफ, तो वहाँ चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने साथ ज्वाइन कर रहे हैं आयुष और पूरा कॉलेज और ये सिक्स साथ और इतनी लंबी बस है, ये कमलेश भी यही है। और इस बस की मुझे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो जाली है, पूरी क्लोज है, जो कि थोड़ी बहुत खुली होनी चाहिए कि मुंह बाहर निकाल लो, हाथ बाहर निकाल लो, बट यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, इसीलिए हम पुलिस की नौकरी के लिए थोड़ा सा। गाइस, ये एकता नगर के द्वार पे हम आ गए, तो यहाँ मिलने वाली अपने को साइकिल, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, सारे पुलिस वाले भी इधर खड़े हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आ गई है कि हमको कैसी साइकिलें देंगी, अभी नई देंगे पुरानी देंगे। ठीक है, अब नई मिलेगी तो भाई दिखाता हूँ मैं आपको, मिल जाए नई बस, नई साइकिल की उम्मीद। कैसी भी अच्छी हो साइकिल, वो वाली ना हो जिसमें दूध ले जाते हैं एटलस। तो सर यहाँ कुछ बताते हुए हमारे स्टूडेंट, अपनी साइकिल और सामने है आप देख सकते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तम याले। और ये साइकिल काफ़ी तगड़ी, देखो बैटरी वाला सिस्टम है, कोई जान वान लगाने की जरूरत नहीं है, नो फोर्स। और यहाँ से मैंने दिया रेस और यहाँ से चलना चालू, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, और साथ के साथ व्लॉगिंग भी हो पा रही है, अगर ये इतना ईजी है साथ। कितना लंबा चलाना है गाइस, हम चलाते जा रहे हैं साइकिल, यही नहीं कहा, अब यही नहीं पता पड़ रहा इसकी एंडिंग। तो ये है इसका मेन, इधर आसपास इसकी शॉप, यहाँ पर बस रुकती है, यहाँ पर जो सामने है यहाँ पर बस रुकती है, यहाँ से फिर अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये इस
इसका मतलब बस स्टॉप है। और मुझे लग रहा है यहाँ हमारे जो सारे स्टूडेंट हैं यहीं रुके हुए हैं, ठीक है, तो यहीं घूम के जाना है। आगे बस भी वहाँ घूम रही है, ठीक है, तो चलते हैं। ये हमारी बस है, ये हमारे कॉलेज में सर मैं तो आओ सर ना आओ मेरा भी वीडियो और सर भी हमारी साइकिल पे चलो सर तू आ गया ना सर आप चलो ना जब ही तो खींचा तो तुम आ गए गाइस सामने स्टैचू तो गाइस फाइनली हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट सामने। अब देखो अंदर पता नहीं ले जाते नहीं पुलिस वाले, ठीक है, बट वी आर ट्राइंग। गाइस देखो यहाँ पे सामने डैम इधर, ठीक है, इधर द रिवर, सामने स्टैचू और जस्ट ये जो पहाड़ है ना इनके जस्ट पीछे है आपका बर्ड सेंचुरी है और फॉरेस्ट जू ये सब है, ठीक है। तो गाइस जिन्होंने लास्ट में हमको दिया है पीने के लिए ये लेमन और ऑरेंज जूस, ठीक है, तो काफ़ी बारिश हो गई। गाइस जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का टूर व्लॉग है इसको हम बनाएंगे, अभी नहीं, कभी आएंगे जब अपने पास कैमरा आ जाएगा, कैमरा नहीं है ना इसलिए नहीं बना रहे। मैंने सोचा था कैमरा आएगा तो इसको बनाएंगे, ठीक है। तो नींबू पानी पी लिया मैंने, जैसा आपको बताया था कि जब से मेरे पास आईफोन आया है ना ऐसा लगता है मतलब मैं अपने फ़ोटो कम दूसरों को ज़्यादा खींच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आईफोन बदल दूँ अपना, एंड्रॉयड पे शिफ्ट होना चाह रहा हूँ मैं। तो गाइस ये वाली जो बस है इसमें हम आए थे और इसी में ही जा रहे हैं वापस। चलो गाइस अपने कॉलेज वाले फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट क्या मिला, क्या मिला, थर्ड जादू। तो गाइस हम दोबारा बस में आके बैठ गए, बच्चे काफी ज्यादा तो सर मैं समझ सकता हूँ लड़का क्या कहना चाह रहा है, क्यों प्लीज। तो हम यहाँ से अब जाने वाले हैं, अभी सर ने कह दिया, पुलिस सर जी ने कहा है कि हम डैम होके चलेंगे, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम हम आपको दिखाएंगे, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो नदी जो नर्मदा रिवर है जस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी आता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ सरदार सरोवर डैम, हम बस जा रहे हैं आगे। तो ये है पहाड़ों के जस्ट बीच में, और ये आ गया गाइस आपका डैम। थोड़ा पास चलते हैं इसको अच्छे से आपको दिखाते हैं। तो वैसे सरदार सरोवर डैम वैसे हम तो पहली बार ही आ रहे हैं नहीं, और हमारे कॉलेज से कितना दूर है, ऐसे 7-8 15-20 किलोमीटर दूर है। हरीश आपको दिखाते हैं चेयर बना रखी है, क्या तगड़ी लग रही है, देखो देखो गाइस चेयर कैसे चेयर लगा रखी है, लाइटिंग वाला शो होता होगा शायद। और यहाँ से हमको डैम दिख सकता है, इसके पीछे बहुत पानी है यार, बहुत इतना पानी है ना कि छोड़ देंगे तो हम भी निकल ही जाएंगे, हम भी दुनिया छोड़ ही देंगे इतना पानी है। अरे आपको पता ही डैम का क्या सीन होता है, अरे स्पीकर वगैरह सब लगे हैं यहाँ पे, कहाँ यहाँ पक्का कुछ शो चलता होगा। हाँ नाइट शो लग रहा है मुझे यहाँ पे क्या। अब ये भी गाइस स्टैचू ऑफ यूनिटी इतनी ऊंची है ना, आप किधर से भी देख लो आगे पीछे मतलब आपको 7-8 किलोमीटर आराम से दिख जाती है। बट इसकी खासियत है कि जो इसका फेस है ना जो मुझे हमें दिख रहा है, हम इधर इनसाइड है इसलिए हमें दिख रहा है, बट अगर हम जैसे हम इसका जो फेस है पहाड़ों की तरफ है
इसलिए इसका फेस जल्दी दिखता नहीं है। आप जैसे कि रोड की तरफ चले जाओगे तब जाकर आपको इसका तब फेस दिखेगा अंदर की साइड, मतलब बाहर रहोगे तो आपको फेस दिखने वाला नहीं है इसका, ठीक है। तो ये भी इसकी खासियत है। गाइज बैक टू आवर कॉलेज, और कॉलेज में अब एंटर हो गए, ठीक है। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय बाय।